इसका मतलब वो चोरनी लड़की थी। बाबा मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, लंबे बाल लड़कियों के ही होते हैं मुझे पता है। खुसरो वो लड़की लड़की, इसलिए हम शहजादी को एक खुफिया नाम से बुलाएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे लड़की। उत्तरी चोरनी शहजादी थी। शहजादी कुछ भी अंधा नहीं है पर बहरा है क्या, कुछ भी सुनता है। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ जा। इसका मतलब चोरनी शहजादी थी। अच्छा वो मैंने अपनी कमीज धो के रखी थी, शहजादी मेरी गंदी कमीज थोड़ी पहनती। बोले मेरी कमीज पहन, अली बाबा की कमीज पहनी हो ना। अब वो कमीज वाकई में नफीस हो गई। खुसरो मुझे डर लग रहा है यार। क्यों बाबा? गलती से गलती हो गई, मैंने उनको चोर बुलाया। और चोर वो कमीज चोर, चोरनी भी बुलाया। तू चोर नहीं, चोरनी है। क्या सजा देगी मुझे शहजादी? बाबा मैं ये सोच रहा था, मतलब वो लड़की इतने दिन से लड़का बन के घूम रही थी। मैं उनकी जगह होता ना तो सबसे पहले अपना हुलिया बदलता ताकि कोई पहचान ना पाए। कहीं उन्होंने हमारी बातें सुन तो नहीं ली थी? आसपास थी क्या? बाबा उस दिन वो कबाब, मैंने मतलब हमारी नान चोरी हुई थी ना। बाबा मैंने पहली नान के बराबर बराबर टुकड़े किए थे, एक तेरा एक मेरा, मैंने दूसरी नान अकेले खुद खा ली। नहीं तो कहीं कोई मेरी नान चोरी तो नहीं करके ले गया। तेरी इतने इतने करीब थे हम 1000 दिनारी के। किस तरफ गई वो लड़की? मैंने कब कहा वो कहीं गई? तो यही है? नहीं वो भी तो मैंने नहीं कहा। निकाल खंजर। बोलता हूँ कुछ मुश्तंडे आए थे, उठा ले गए उस तरफ। गुलामों के सौदागर लग रहे थे। बाबा हमें उन्हें बचाना होगा इससे पहले कि कोई उनके साथ बुरा करे। बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, लेकिन उन गुलामों के सौदागरों को ढूंढने कहाँ? बाबा अगर वो लोग गुलामों के सौदागर थे तो सारे गुलाम भी होंगे। कहीं कोई आसपास बाजार तो नहीं लग रहा है जहाँ सारे गुलामों को बेचा जा रहा हो? रहम की दुआ तो तू अपने लिए मांग लो। ले चलो इसे आका के पास, वही इसकी पहचान करेंगे। बस एक चीज का ख्याल रखिए, ये शाही निशान को छुपा के रखिएगा। आप क्या कर रही हैं? लाइए हमें दीजिए। इस मनुष्य बोन की गर्मी से आपके मुलायम हाथ जल जाएंगे, तो हम सुल्तान को क्या मुंह दिखाएंगे?
یا اللہ ہمت دیجیے ہمیں, رحم کیجیے حکم, رحم کیجیے. ہمارے اس غلام خانے میں آپ کا من نہیں لگ رہا تھا, جو آپ نے بھاگنے کی کوشش کی. غلطی ہو گئی ہم سے حکم, معاف کر دیجیے. کوئی بات نہیں, جائیے. چھوڑو چھوڑو, میں یہ غلام خانہ قیدگاہ ہے بیزاد کا, کوئی سرائے نہیں. جب من آئے یہاں سے چلے جاؤ, یہاں میری حکومت چلتی ہے. اب تمہاری قسمت میں یا تو یہاں کی مزدوری ہے یا امیر آدمیوں کی غلامی. اس پھڑپھڑاتے ہوئے مرغوں کو لے جا کر کال کوٹری میں بند کر دو, عقل ٹھکانے آ جائے گی. آقا, یہ لڑکی ہمیں پرواز میں ملی تھی. دیکھنے میں تو شائستہ لگتی ہے, آکھا لڑکی چلتے چلتے انگاروں پہ گر گئی تھی تو شاید اسی وقت, اور ہاتھ جل گیا. جہاں شاہی نشان ہونا چاہیے تھا, اتفاق سے وہاں پہ جلنے کا نشان بن گیا. کمال کا اتفاق ہے. سلطان کو پیغام بھیجو کہ آ کر لڑکی کی پہچان کر لیں, اور اگر یہ لڑکی شہزادی نہ نکلے تو اسے بیچنے کا بندوبست کرو, کیونکہ اس کے نازک ہاتھوں سے تو مزدوری کا کام ہوگا نہیں. بھیج دو پیغام سلطان کو کہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ ہم چپ چاپ اس لڑکی کی شناخت ان سے کرا سکیں. کابل کی عوام کو نئے سلطان کا سلام. نہیں نہیں نہیں, نئے سلطان کی نئی سلطنت میں خوش آمدی. نہیں مزہ آ رہا ہے. کابل شاہی میں سلطان. بولو. آپ کے لیے پیغام آیا ہے. خفیہ پیغام. یجود, لگتا ہے شہزادی مل گئی, چڑیا پنجرے میں قید ہو گئی. یجود, ہمیں فوراً نہیں جانا ہوگا. ایک پیغام اور ہے سلطان. رہبر, آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا. شہزادی مل گئی ہے, ان کی شناخت کو خفیہ رکھنا ہوگا. باہر شور بہت ہے, آپ کچھ ایسا انتظام کریں تاکہ آپ کی امانت کو آپ تک پہنچایا جا سکے. آپ کا وفادار بیزاد غلام شوقین. بہت خوب کہا بیزاد, ہم ایک جمعہ بازار لگوائیں گے جہاں پورا کابل آئے گا اپنے نئے سلطان کا استقبال کرنے, اور اس بازار کی آڑ میں ہم بیزاد سے اپنی امانت لے لیں گے. اب بس سمسم جی کو سمجھانا ہوگا. ملکہ تباہی, ناچیز کا یہ تحفہ قبول کرے. تحفہ نہیں, مجھے میرا تلسمان چاہیے جو کسی لڑکی کے پاس ہے, اور شہزادی چاہیے. سب لا کر تو کا ملک ہے تباہے, پوری دنیا کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. اس کے لیے میں زندہ تو رہنا چاہیے. سانس سانس نہیں آ رہی ہے اپنے, سانس نہیں. بہت تھک,
ताकत है आपकी पकड़ में मलिका है तबाही। पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि गुस्से में ही सही पर आपने हमें छूने के लायक तो समझा। मलिका है तबाही दरअसल मैं आपके पास एक गुजारिश लेकर आया था। शहजादी की तबीयत का तो ख्याल मैं रख ही रहा हूँ मलिका तबाही। मैं चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए आप काबुल पर हमला ना करें और ना ही करवाएं तो बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, आप चाहें तो पूरे काबुल को खत्म कर सकती हैं। मैं तो बस आपको बता रहा था। तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है? या खुदा, तौबा तौबा, मेरी इतनी हिम्मत। मैं बता नहीं रहा आपको मलिका तबाही, मैं तो बस आपको एक तरकीब दे रहा हूँ। क्या है ना कि आपकी कोई चीज खो गई है। हम सोच रहे थे मलिका तबाही की जुम्मा बाजार लगाया जाए और अगर 40 चोर हमला ना करें तो सारी आवाम आएगी और क्या पता आपकी खोई हुई चीज भी आपको मिल जाए। वो नायाब चीज कोई मामूली चीज नहीं है। वो है वो लड़की परवास में है। ठीक है, करो जुम्मा बाजार का इंतजाम, पर एक शर्त पर। बस एक? बोलिए ना। आवाम में ये ऐलान कर दो कि तुम्हें पता लग गया है कि 40 चोरों का हमला चांद निकलने के बाद ही होता है, पर याद रहे काबुल का हर बाशिंदा इस बाजार में आना चाहिए। मेरे 40 चोर भी पहुंचेंगे मेरी अमानत लेने। जुम्मा बाजार की आड़ में हमें शहजादी मिल जाएगी और सिम सिम जी को पता भी नहीं चलेगा कि उनका तोहफा हमसे खो गया था। जो हुक्म आपका मलिका तबाही, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आइएगा, बिल्कुल आइएगा, पर मेरे जाने के बाद। मैं चलता हूं। पूरे काबुल के साथ वो लड़की भी होगी इस जुम्मा बाजार में जिसके पास इबलिस का तलिस्मान है। एक बार वो तलिस्मान मिल जाए फिर मैं तुम्हारे इस काबुल सल्तनत को फना कर दूंगी सद्दाम। चलो, हो गया अपना काम। अब बैजाद को बुला लूंगा जुम्मा बाजार में उस लड़की की पहचान के लिए, और जैसे ही मरियम की पहचान होगी उसे सौंप दूंगा सिमसिम जी के हवाले। फिर 40 चोरों को जो करना है जुम्मा बाजार में वो करें, मुझे क्या। सारी आवाम में ये खबर फैला दो कि 40 चोर दिन के वक्त हमला नहीं करेंगे, सिर्फ रात चांद निकलने के बाद ही हमला कर सकते हैं, और जुम्मा बाजार का ऐलान कर दो, और ध्यान रहे कि सल्तनत का हर एक बाशिंदा वहां मौजूद रहे। ये चिट्ठी की नकल उतारो और इसे हर जगह पहुंचा दो। ये पैगाम आज काबुल की हर गली में पहुंच जाना चाहिए। सुल्तान ने अपनी आवाम के लिए एक खास पैगाम भेजा है। उन्हें कुछ आसमानी ताकतों से पता चला है कि 40 चोर चांद निकलने के बाद ही काबुल पर हमला कर सकते हैं। जब तक सूरज आसमान में है 40 चोर काबुल पर हमला नहीं कर सकते। सुल्तान, आप सबको ये यकीन दिलाते हैं कि दिन के वक्त आप सब लोग महफूज हैं, लेकिन रात को आज से आप सबका निकलना बंद। सुल्तान कहते हैं मेरे काबुल के बाशिंदों, काबुल ने चोरों की दहशत में बहुत जी लिया, अब
खुलकर जीने की बारी है। तुम्हारा यह नया सुल्तान जुमा बाजार का ऐलान करता है। आप सबको इस दावत में आना है। हम सब साथ मिलकर इस दहशत से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आमीन। सुल्तान खुद आएंगे? नए सुल्तान को आवाम की इतनी फिक्र? अगर सुल्तान खुद आ रहे हैं मतलब जुमा बाजार बिल्कुल महफूज होगा। अब तो हम भी चलेंगे। हाँ हाँ जाएंगे, हम इस बाजार में जरूर जाएंगे, क्योंकि जिस बाजार में काबुल का पूरा आवाम आ रहा होगा वह बहुत मुमकिन है कि शहजादी जरूर पहुंचे। तुम्हारी कोशिशों से पहले ही अली बाबा शहजादी को ढूंढ अपने हजार दिनारी जीत लेगा जोरावर। जुम्मा बाजार तो क्या, शहजादी तुम्हें ख्वाब में भी नहीं दिखेगी। एक बात तो तय है, अगर जुम्मा बाजार में काबुल की पूरी आवाम को दावत पे बुलाया है तो गुलामों के कारोबारी गुलाम बेचने के लिए जरूर आएंगे और वहीं पे हमें मिलेगी शहजादी। यानी उनके साथ होंगे हजार दिनार? हाँ, हजार दिनार। लेकिन उसके लिए हमें पहले शहजादी को छुड़ाना होगा और मुझे यकीन है अगर ये काम हमने साथ नहीं किया तो ही कर पाएंगे। अब देखना, हजार दिनारी हमें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अजीज, मेरे दिल की आवाज सुनिए अजीज, मुझे लगता है कि आपको जुमा बाजार जाना चाहिए। तुम्हारी ये दिल की बात उन चोरों ने सुन ली ना, तो यहाँ मैं जुमा बाजार में आऊंगा और वहाँ चोर मेरे बेशकीमती हमाम साबुन से नहा रहे होंगे। अरे आपने सुना नहीं क्या कहा है मानी ने, चोर दिन में नहीं आते। मेरी मानिए आपको जुमा बाजार जाना चाहिए, सुल्तान खुद आने वाले हैं वहाँ पर। वहाँ आप उनसे यतीम खाने की खैरात की बात कर लेना। जरा सोचिए, अगर सुल्तान मान गए तो इधर मूसा दिनार देगा, उधर सुल्तान दिनार देगा, इधर अली दिनार देगा, बस दिनार ही दिनार ही दिनार। हम सब साथ मिलकर के इस दहशत से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब हमारी मुलाकात जुम्मा बाजार में होगी। सारी आवाम को बाजार में इकट्ठा करना, ये भी सद्दाम की कोई चाल होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सद्दाम शहजादी को ढूंढने के लिए सब कर रहा? अगर ऐसा है जागीर, तो इससे पहले कि सद्दाम शहजादे तक पहुंचे हमें शहजादे तक पहुंचना होगा, हमें भी जुम्मा बाजार जाना होगा। कल सुबह ही लड़कियों को तैयार कर दो, खास तौर से इस लड़की को। कल जुम्मा बाजार में इन सबको पेश करेंगे। कल का दिन हम सब के लिए इम्तिहान का दिन है। वहां जुम्मा बाजार में जब पूरा काबुल इकट्ठा होगा वहां वो लड़की भी होगी और तलस्मान भी। इसीलिए कल तुम सब वहां होंगे और तुम्हारा कहर भी। मुझे कल वो तलस्मान चाहिए जो उस लड़की के पास है और वो लड़की इस जुम्मा बाजार में जरूर आएगी मेरा तलिस्मान लेकर। तू बेटा देख, शहजादी को तो मैं ही ढूंढ के रहूंगा। शहजादी को ढूंढना तो दूर, आप उनका जिक्र करने लायक नहीं रहेंगे अली बाबा। उम्मीदों में जिनकी है खुशियों की लहर, अनजान है बाजार आते ही कल बरसे का कहर। हमारी मदद करे अल्लाह, अगर ये लोग हमें जुम्मा बाजार ले गए तो काबुल शाही के सिपाही हमें पहचान लेंगे और तब सद्दाम से बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। हम क्या करें अब्बू, क्या करें अब्बू?